की आंख बंद करनी है। अब वापस जो है सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर हाथ लाइए, सामने दिखाते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सामने दिखाते हुए, सामने दिखाते हुए, फिर इनहेल करते हुए धागे की तरह हाथ खोलिए, अपान मुद्रा, अपान मुद्रा बनाएंगे और इनहेल करते हुए धागे की तरह हाथ खोलेंगे। हवा को फील करिए, ये जो हवा चल रही है इसको फील करिए, जितनी गहराई हवा में डालेंगे वो उतना ही तेज होगी। आप यकीन मानिए आपके बॉडी में जो चीज घटित हो रही है वो सब बाहर घटित हो रही है, इसलिए हवाओं को फील करिए और इनहेल करते हुए हाथ ऊपर। इसको दोबारा रिपीट करिए, जिसको याद है वो करेगा, जिसको नहीं याद है वो देखेगा, देखते हुए करेगा, ठीक है। इनहेल फिर एक्सहेल, हवाओं को फील करते हुए, सही गलत के बारे में मत सोचिए, बस हवाओं को फील करिए और करते रहिए, जितना ज़्यादा हवाओं की गहराई में जाएंगे उतना ही अच्छा है। डीप ब्रीदिंग, आप सभी लोग अपना हाथ नीचे करके एक ही पोजीशन में आएंगे, इसका नाम था लिफ्टिंग द स्काई, दूसरा कैरिंग मून, कैरिंग मून को भी ध्यान से देखेंगे, ये भी हवाओं के साथ करेंगे, ठीक है। दोनों हाथ उठाइए, इनहेल एक्सहेल, फिर साइड में इनहेल फिर एक्सहेल, दूसरी ओर फिर इनहेल एक्सहेल, फिर तिरछा होते हुए ऊपर से जैसे कुछ लाते हैं वैसे इनहेल, फिर दूसरी ओर से लेके आएंगे एक्सहेल, फिर सामने से इनहेल, फिर एक बड़ा सा गोला बनाएंगे जैसे हाथ के बीच में होता है, दूर रहेगा हाथ, और एक्सहेल करते हुए गोले को कम करेंगे हाथ नीचे। अभी वापस हम लोग आसनों पे आते हैं, स्टैंडिंग के आसन करेंगे, थोड़ा सा गैप रहेगा पैरों में, थोड़ा सा गैप, ताड़ासन, ठीक है। सभी लोग ध्यान से करिएगा, आप जो है ना थोड़ा सा सामने देंगे, आप लोग थोड़ा ये ऑनलाइन जो चल रहा है ना तो ऑनलाइन में थोड़ा दिखाई देगा, आप लोग सामने करेंगे, समझ नहीं आएगा ना, सामने थोड़ा पीछे